हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर, जो कि बहुत ही इजी और टेस्टी है। यहाँ मैंने लिया है एक ग्लास पानी, जिसमें मैं डाल रही हूँ आधा किलो पालक, और इसे मैं रख दूँगी बॉईल होने के लिए। बस 5 मिनट में अच्छे से पक जाएगा और इसे कवर करके पका लूँगी। 5 मिनट के बाद में आप देख सकते हैं कि पालक अच्छी तरह से पक चुकी है। इसे ठंडा होने देना है, क्योंकि मैं बनाऊँगी इसका पेस्ट। और यहाँ बिना पानी के मैंने ग्राइंडिंग जार में पालक डाला है। ये पेस्ट बनकर तैयार है, इसे रख लेते हैं साइड में। और तड़के के लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, और इसमें मैं डाल रही हूँ तेज़पत्ता, दालचीनी। इसे थोड़ा सा भून लेना है, कम गैस पर करना है ये सब कुछ। यहाँ मैं सूखी मेथी डाल रही हूँ, 1/2 टेबलस्पून है ये, और इसे भी मैं कुछ आधा मिनट के लिए भून लूँगी। अब इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच। बस इसे भून लेना है आधा मिनट के लिए कम फ्लेम पर, क्योंकि इससे मसाला जलेगा नहीं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ पालक का बनाया हुआ पेस्ट। इसे कर लेंगे मिक्स। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, जो मैंने बॉईल करने के लिए यूज़ किया था। मैंने वही पानी पॉट में डाला है और उसे मिक्स करके बस वो डाल लिया है। इसे रख लेती हूँ साइड में कुक होने। और दूसरे कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल, जिसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन, जिसे मैंने बारीक चॉप किया था, और हरी मिर्च, उसे भी चॉप किया था। मैंने दोनों 1-1 टेबलस्पून लिया है। इसे थोड़ा सा गोल्डन होने तक भून लूँगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, एक बड़ा प्याज मैंने यूज़ किया है, जिसे मैंने बारीक चॉप किया था। इसे भी मैं 1/2 मिनट के लिए भून लूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी पनीर, जो मैं 200 ग्राम पनीर यूज़ कर रही हूँ। मैंने छोटे छोटे क्यूब्स बनाए इसके, आप अपना रिक्वायर्ड शेप ले सकते हो, बट पालक पनीर में छोटा अच्छा लगता है। और यहाँ मैं डाला हल्दी पाउडर, नमक 1/2 छोटा चम्मच। इसे मिक्स कर 2 मिनट के लिए पका लेना है। ये जो सब्ज़ी है, मैं करूँगी ट्रांसफ़र बॉयलिंग स्पिनच करी में, जो मैंने पालक का पेस्ट वाला करी बनाया था, उसके अंदर डालना है पनीर वाला हमारा मसाला। इससे ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी और पनीर फीका फीका नहीं लगेगा। इसे बस कर लेना है मिक्स। अगर पानी चाहिए तो आप इसमें डाल सकते हो। और इसे 5 मिनट के लिए ढककर पका लेना है। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से मसाले और तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक टेस्ट के हिसाब से। मैंने पनीर में नमक डाला था, तो उस हिसाब से मैं डालूँगी। यहाँ चाहे तो क्रीम मलाई जो होती है वो डाला जा सकता है, बटर डाला जा सकता है। इसे मैं फिर से 5 मिनट के लिए पका लूँगी। और सब्ज़ी बनकर एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा कलर और कंसिस्टेंसी है इस सब्ज़ी की। इसे रोटी, नान या राइस किसी के साथ सर्व किया जा सकता है, गेस्ट के लिए बनाया जा सकता है। तो ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।